Assalamualaikum guys, welcome to my channel Education City. आज हम CS202 की बुक के लेक्चर स्टार्ट करेंगे. CS202 बुक का नेम है Fundamentals of Front End Development. इस बुक का मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने इस बुक में पढ़ना क्या क्या है. HTML ये हमारे कॉन्टेक्ट को डिस्प्ले करती है कि आपने कोई भी चीज़ किस तरह डिस्प्ले करवानी है यूज़र को. CSS ये स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है. JavaScript ये यूज़र इंटरेक्शंस के लिए कि आपका सॉफ्टवेयर यूज़र इस्तेमाल कर रहा है तो कौन सी चीज़ किस तरह से इंटरेक्ट करे, कौन सा बटन क्या फंक्शन करेगा, सारा यूज़र इंटरेक्शंस. AJAX यूज़ होती है आप वेब पेज से सर्वर के थ्रू किसी भी आप वेब पेज से कम्युनिकेट करें किसी भी सर्वर से और विदाउट रीलोडिंग द पेज. jQuery JavaScript का समझ लें आसान वर्जन है कि jQuery ना आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देता है. इसमें JavaScript के काफ़ी फंक्शंस होते हैं जो बहुत ही इजीली आपको मिल जाते हैं. XML डाटा को स्टोर करने के लिए, स्ट्रक्चर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है. और JSON भी स्ट्रक्चर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, मगर इन दोनों में फ़र्क यह है कि XML लार्ज साइज डाटा को स्टोर करती है, JSON स्मॉल साइज डाटा को. HTML5 ये 2014 में रिलीज़ हुई थी. ये HTML का एडवांस वर्जन है. इसी तरह CSS3 ये CSS का एडवांस वर्जन है. आगे RHTML लिखा हुआ मैंने, इसका मतलब है रिस्पॉन्सिव HTML. ये आपके डिस्प्ले के लिए है कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लैपटॉप में ऑन किया ना तो वो आपको कैसा शो हो रहा है स्क्रीन पे, और आप वही एप्लीकेशन वही सॉफ्टवेयर मोबाइल पे ऑन करते हैं तो आपको उसका डिस्प्ले कैसा शो होता है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, उसका वर्क कैसा करना है, सारा कुछ वो रिस्पॉन्सिव HTML में आता है. बूटस्टेप में आप ये फ्रेमवर्क है जो कि रिस्पॉन्सिव HTML को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है. यूजबिलिटी इश्यूज भी हम डिस्कस करेंगे और SEO की बेसिक्स भी हम डिस्कस करेंगे. SEO क्या है? SEO है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. Lecture 1 अपना स्टार्ट करते हैं. Lecture 1 फ्रंट एंड डेवलपमेंट को हम क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं. ठीक है. फ्रंट एंड लैंग्वेजेस होती क्या हैं? ये मेक श्योर करती हैं कि ब्राउज़र में हमारा वेब पेज डिस्प्ले कैसे हो रहा है और वर्क कैसे कर रहा है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट एंड लैंग्वेजेस लिव्स इन योर ब्राउज़र. ये हमारे वेब पेज को मेक आवर वेब पेज वर्क, हमारा वेब पेज काम ठीक से करे और सारी चीज़ें डिस्प्ले ठीक से करे, ये सारा कुछ हमने फ्रंट एंड लैंग्वेजेस में डिस्कस करना होता है. मेन 3 लैंग्वेजेस हैं HTML, CSS, JavaScript. HTML ये मेक श्योर करती है कि आपका स्ट्रक्चर ठीक से डिस्प्ले हो, आपका कंटेंट वो ठीक स्ट्रक्चर में हो. उसके बाद CSS से स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, फॉन्ट कलर बैकग्राउंड कोई भी स्टाइलिंग हो. JavaScript यूज़र इंटरेक्शंस के लिए. नेक्स्ट है फ्रंट एंड डेवलपमेंट है क्या चीज़. फ्रंट एंड डेवलपमेंट डिज़ाइन नहीं है, इज नॉट डिज़ाइन. फ्रंट एंड डेवलपर्स जो होते हैं ना वो डिज़ाइनर और बैक एंड डेवलपर के दरमियान में लाई करते हैं, उनके दरमियान में स्टैंड करते हैं. ठीक है, एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए? आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपका कंटेंट जो है इज रिप्रेजेंटेड एज डिजायर्ड, कि जैसे कस्टमर को नीड है हर मेन्यू आपको यहाँ पे साइड पे शो हो जाए, यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस शो हों, बटन्स शो हों, कोई भी वेबसाइट कोई भी एप्लीकेशन आप ऑन करें उसका लेआउट कैसा हो, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका डिस्प्ले, वो कंटेंट वो आप डिज़ायरेबल है नहीं है, यूज़र फ्रेंडली है नहीं है, ये सारा कुछ आपने मेक श्योर करना होता है. नेक्स्ट, ऑल यूज़र इंटरेक्शंस आर हैंडल्ड यूज़र इंटरेक्शंस लाइक जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट इसमें आ गया यूज़र इंटरेक्शंस में क्या क्या कुछ आता है कि वो आप किसी भी डिवाइस पे ओपन करें तो उसका लेआउट ठीक हो, मोबाइल पे और लैपटॉप पे कंप्यूटर पे कहीं पे भी आप ओपन करें तो वो सॉफ्टवेयर पूरी तरह से ठीक तरह काम करे. ऐसा ना हो कि कुछ फंक्शंस मोबाइल लैपटॉप में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बुरा इंप्रेशन जाता है आपका. काफ़ी डायमेंशंस उसकी ठीक हों, वो लैपटॉप की स्क्रीन मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन के मुताबिक
जब बड़ा डिस्प्ले शो हो रहा है आपको, इसी तरह जब आप मोबाइल पे उस सॉफ्टवेयर को ऑन करें तो वो मोबाइल की स्क्रीन के मुताबिक उसका डिस्प्ले खुद को एडजस्ट कर ले। और लैपटॉप, ये सारा वही है डिमेंशंस मोबाइल में लैपटॉप में। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक ग्लोबल एड्रेस है, वर्ल्ड वाइड वेब का ग्लोबल एड्रेस। और URL की टाइप है URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर ये क्या है, ये URI है, नेम है या एड्रेस है किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब का, ठीक है। URL ही एड्रेस है, जो मैंने आपको बता दिया URL एड्रेस है, URI उसकी टाइप है, मीन्स के ये भी एड्रेस ही होगा। द टर्म वेब एड्रेस, वेब एड्रेस इज अ सिनोनिम फॉर अ वर्ड URL। URL का सिनोनिम क्या है, वेब एड्रेस। कभी भी URL की बात हो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये वेब एड्रेस है। और वेब एड्रेस स्टार्ट कहाँ से होते हैं, इनमें प्रोटोकॉल्स होते हैं दो, HTTP, HTTPS प्रोटोकॉल्स, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल यूज होता है, वो है FTP प्रोटोकॉल, ठीक है। इस ये प्रोटोकॉल का मतलब यह कि ये यहाँ से आपका वेब एड्रेस, कोई भी वेब एड्रेस हो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये आप एग्जांपल देखें कुछ वेब एड्रेस की, HTTP, यहाँ पे S आ गया, यहाँ पे FTP। नेक्स्ट हम ये जो हमने एग्जांपल से भी पढ़ी है, यहाँ पे इनके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ अ URL, URL के पार्ट्स क्या क्या हैं। ये फर्स्ट होता है आपका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। ये आपको बताता है, ये आपके ब्राउज़र को ना जब आपने कोई भी एड्रेस URL लिखा है गूगल पे क्रोम पे, तो वो इंडिकेट कर लेता है फर्स्ट पार्ट से कि हमने कौन से प्रोटोकॉल में चेक करना है इस एड्रेस को। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है mydomain.com, ये रिसोर्स की लोकेशन है। ये IP एड्रेस या डोमेन का नेम है, जहाँ ये उस डोमेन का नाम होता है यहाँ पे, जहाँ पे आपका उस आपका ना रिसोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट आपका बिल्कुल ऑप्शनल है, ओके। ये फाइल का नाम होता है, आपने मतलब कि कोई भी URL दिया है, उसका प्रोटोकॉल, उसका नेम, रिसोर्स का लोकेटेड कहाँ पे है, आ गया। नेक्स्ट आपने ये फाइल का नाम लिखना होता है इधर, कि ये फाइल चाहिए मुझे इस रिसोर्स से, इस सर्वर पे पड़ी हुई है, ये .html ये उस सर्वर को इंटीग्रेट कर रहा है। अब हमने URL सिंपल पढ़ लिया है, डायनामिक URLs क्या होते हैं। डायनामिक URL इज द एड्रेस ऑफ द डायनामिक वेब पेज। ये डायनामिक वेब पेज इसके एड्रेस होते हैं। इनमें सिंपल आप ये याद रखें, इनमें ये करेक्टर्स यूज होंगे। ये करेक्टर्स आपको जिस वेब एड्रेस में, जिस भी लिंक में आपको शो हो, उसका मतलब है कि ये डायनामिक URL है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये हमारा सिंपल URL लिखा हुआ था, आगे आ गया ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से अब आपको पता चल रहा है ये डायनामिक URL है, ये फोर्थ पोर्शन अंदर ऐड हो गया है। पहले हमने थर्ड पार्ट्स पढ़े थे, अब ये फोर्थ वाला ऐड हो गया। इसमें देखें F नेम यानी कि फर्स्ट नेम इक्वल आसिम, फोर्थ बिल्कुल ऑप्शनल होता है जैसे मैंने अभी बताया था। और इसमें होता क्या है, की लिखी होती है इक्वल वैल्यू, की इज इक्वल वैल्यू, जैसे कि फर्स्ट नेम ये की है इक्वल उसका वैल्यू क्या है, नेम आपने वो इक्वल के आगे लिखा होता है एड्रेस में, ठीक है। और नेक्स्ट आप ये देखें यहाँ पे एंड, ये एंड की सिंबल क्यों यूज हुई है, और परसेंटेज ट्वेंटी का मतलब है यहाँ पे स्पेस, और एंड का मतलब है सेकंड वैल्यू स्टार्ट हो गई है। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क के बाद आपका फोर्थ पोर्शन स्टार्ट होता है, और जब आपकी एक की इज इक्वल वैल्यू खत्म हो गई, फिर आपने एंड लगाना है, फिर नेक्स्ट की इज इक्वल वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में दो वर्ड्स थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दरमियान हम वैसे लिखेंगे तो हम स्पेस डालेंगे ना, मगर डायनामिक URL में स्पेस की जगह आएगा परसेंटेज और 20, ठीक है। आगे URL इनकोडिंग, URLs कैन ओनली बी सेंट ओवर द इंटरनेट यूजिंग ASCII करेक्टर सेट। ASCII करेक्टर सेट क्या है, ASCII करेक्टर सेट, अब कुछ लेटर्स होते हैं या कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप वेब एड्रेस में URL में एग्जैक्ट वैसे नहीं लिख सकते, उनके लिए क्या करता है इंटरनेट जो है ना, उन वर्ड्स को चेंज करता है, वो अनसेफ होते हैं, उन्हें सेफ फॉर्म में वो भेजता है। और सेफ फॉर्म क्या है, ASCII करेक्टर सेट, जो कि आपके सर्वर को समझ आ जाए कि उसने किस फाइल तक रीच करना है या आप क्या सर्च करने हैं।
आस्की कैरेक्टर सेट यही है, जैसे हमने यहाँ पे स्पेस को परसेंटेज 20 से चेंज किया, स्पेस को आप प्लस से भी चेंज कर सकते हैं, और दो वैल्यूज को आप सेपरेट करने के लिए सेंटर में एंड आ जाता है, ठीक है। ये आस्की कैरेक्टर्स होते हैं। लेक्चर नंबर थ्री का स्टार्ट करते हैं। HTTP बेसिक्स HTTP हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये प्रोटोकॉल होता है, मगर ये प्रोटोकॉल है क्या? इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ये कैसे वर्क करता है? ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस प्रोटोकॉल है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में। मतलब कि आप कुछ गूगल पर सर्च कर रहे हैं, आपने कोई भी वेब एड्रेस लिखा, आपने वो HTTP से स्टार्ट होगा ना, आपने गूगल को रिक्वेस्ट कर दिया कि मुझे ये सर्च करके दे, आपने रिक्वेस्ट की और रिस्पांस, गूगल आपको क्या रिस्पांस करेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट और रिस्पांस, आप क्लाइंट हैं गूगल, आपका इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड वेब वो सर्वर है, ओके। HTTP फाउंडेशन एंड डाटा कम्युनिकेशन की फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। आपने कुछ भी सर्च करना है, वो कोई भी वेब एड्रेस हो, कोई भी वेब एड्रेस, उसका स्टार्ट किसी ना किसी प्रोटोकॉल से होगा। तो ये फाउंडेशन हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए, कि आप कुछ डाटा मांग रहे हैं गूगल से, वो आपको डाटा फाइंड करके दे रहा है, डाटा कम्युनिकेट हो रहा है ना। नेक्स्ट आ जाता है HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट दो तरह के मेथड्स होते हैं इसमें, गेट और पोस्ट। गेट में क्या होता है, आपने डाटा रिक्वेस्ट किया है किसी भी एक स्पेसिफिक रिसोर्स से, वो आपको डाटा फाइंड करके दे रहे हैं, आप डाटा गेट कर रहे हैं, मगर वो डाटा लिमिटेड होगा, लिमिटेड लेंथ का कैश कर सकते हैं आप क्लाइंट साइड पे ना। आपने कोई डाटा गूगल से मांगा है, गूगल ने आपको वो डाटा दिया, आपको वो डाटा डिस्प्ले हो गया, आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है कैश डाटा। पोस्ट का क्या मतलब है, आपने कुछ डाटा मांगा है, वो डाटा आपको अनलिमिटेड होगा, उसके बाद डाटा आपको कभी भी कैश नहीं होगा, सॉरी कैश्ड वर्ड है, कैश नहीं होगा डाटा, ठीक है। कैश नहीं होगा मतलब कि वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा, वो आपके वेब एड्रेस में वो हाइड होगा डाटा, यानी अगर आप कोई वेबसाइट है, आपको अपना उसे बुकमार्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो अंदर उसके अगर पोस्ट वाला उन्होंने रिक्वेस्ट यूज़ की हुई है ना, HTTP की रिक्वेस्ट उन्होंने पोस्ट यूज़ की है उस वेबसाइट के लिंक में, तो वो कभी भी आपकी बुकमार्क नहीं होगी, क्योंकि वो नेवर कैश्ड है। आगे HTTPS आ गया, ये सिंपल HTTP का सिक्योर और सेफ वर्जन है, ठीक है। ये इसका एब्रिविएशन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और HTTP ओवर SSL, ठीक है, ये इंक्रिप्टेड और ऑथेंटिकेटेड होता है। ये सिर्फ आपके और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती हैं वो सिर्फ आप दोनों ही चेक कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी इसे चेक नहीं कर सकती, इंक्रिप्टेड और ऑथेंटिकेटेड सिक्योर। Lecture 4 सर्विसेज एंड एजेंट्स। वेब सर्वर क्या होता है, सर्विसेज क्या होती हैं, एजेंट्स क्या होता है। वेब सर्वर ये प्रोग्राम है जो कि HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, आपको आपने जो डाटा सर्च किया है या वेब पेजेस सर्च किए हैं आपको, वो आपका आपने जो रिक्वेस्ट किया ना, तो उसका रिस्पांस आपको कैसे मिल रहा है, वो डाटा आपको मिल रहा है, जो रिस्पांस आपको आ रहा है वो वेब सर्वर की मदद से आता है, ठीक है। ये डेडिकेटेड कंप्यूटर्स और कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है जो वेब सर्वर के तौर पे काम कर रही हो, ओके। जैसे कि अब आपने अपने लैपटॉप से सर्च किया कुछ, यहाँ CS202 के लेक्चर्स को आपने सर्च किया, आपकी रिक्वेस्ट गई इंटरनेट पे, अब इंटरनेट से कुछ वेब सर्वर्स हैं, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब के, या फिर कुछ कंप्यूटर्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो आपका जो ना एड्रेस है, आपने जो गूगल पे सर्च किया है उसको चेक करेंगे पहले, उसके सारे पार्ट्स को, जैसे हमने पीछे वो पार्ट्स पढ़े थे वेब एड्रेस के URL के पार्ट्स, वो उन्हें सर्च करेंगे, देन वो स्पेसिफिक वेब सर्वर पे जाएंगे जहाँ से आपका एड्रेस मिल सक मैच हो रहा है, जिस वेब सर्वर से आपका URL मैच हो रहा है, फिर वहाँ से उस वेब सर्वर से आपका डाटा फाइंड होगा और वो आपको वापस इंटरनेट के थ्रू आपको वो डाटा मिल जाएगा। आप कुछ भी अपने मोबाइल पर सर्च करते हैं तो आपके पास तो वो काम सेकंड्स में हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। तो ये अब सिस्टम बहुत एडवांस हो चुके हैं। यहाँ पे आप जब डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपको ये स्टेप वाइज पता लग रहा है कि ब्राउज़र से इंटरनेट पे हमने सर्च किया, इंटरनेट से वेब सर्वर पे जाएगा, उसके वेब सर्वर उसके सारे पार्ट्स को रीड करेगा जो आपने जो सर्च किया है इंटरनेट पे, देन वो सिलेक्ट करेगा कि उसने किस एप्लीकेशन सर्वर पे जाना है, किस वेब सर्वर पे जाना है और किस वेब सर्वर के पास कौन सी एप्लीकेशन सर्वर है,
जो आपका डाटा आपको प्रोवाइड कर सकती है, फिर वहां से वो सिलेक्ट करेगा, उससे वो सर्च करेगा, फिर इंटरनेट के थ्रू वो आपको वापस आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे वो डाटा शो हो जाएगा। एप्लीकेशन सर्वर क्या है? ये क्रिएट करती है वेब एप्लीकेशंस एंड अ सर्वर एनवायरमेंट टू रन देम। ठीक है, वेब सर्विसेज आर द क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशंस। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो एप्लीकेशन होती हैं, जो वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सेम वही चीज़ है जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि HTTP प्रोटोकॉल की मदद से आपने कुछ, आप क्लाइंट हैं, आपने कुछ रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये सर्च करके दें, और वेब सर्विसेज ने, वेब सर्वर ने आपको वो एप्लीकेशंस ने वो कम्युनिकेट, वो फाइंड करके डाटा आपको दे दिया। इस तरह आप और क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। ठीक, नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट ये उन्होंने वही चीज़ डायग्राम से शो की हुई है, लैपटॉप इंटरनेट और वेब सर्विस के दरमियान, कि आपने कुछ रिक्वेस्ट की, आपने रिक्वेस्ट मैसेज भेजा कुछ और आपको उसका रिस्पांस आ गया। वेब एजेंट्स एंड यूजर एजेंट्स ये क्या होते हैं? दीज आर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डेट आर यूज बाई यूजर्स। ये अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो यूजर यूज करता है टू कम्युनिकेट टू वेब सर्वर, जैसे कि गूगल क्रोम वेब सर्वर। इसकी सबसे आसान एग्जांपल वेब एजेंट, यूजर एजेंट्स, इनकी सबसे आसान एग्जांपल है आपका गूगल, आपका क्रोम। वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो आपको हेल्प करती हैं यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए वेब सर्वर से। आप ये देखें, टिपिकल एग्जांपल मेंशन भी की हुई है इन्होंने, वेब ब्राउजर में गूगल क्रोम सारा कुछ आ जाता है। अगेन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5, डोमेन होस्टिंग FTP। डोमेन क्या है? डोमेन है एक यूनिक नेम है वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का कोई यूनिक नेम डोमेन कहलाता है, लाइक google.com, facebook.com, microsoft.com। जैसे आपका डोमेन, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी का एक वेब एड्रेस है, डोमेन है vu.edu.pk.com। अब डोमेन जो है ना, ये भी URL का ही एक पार्ट है, क्योंकि ये वेब एड्रेस है ना, और वेब एड्रेस क्या होता है? वेब एड्रेस का सीनम किसका सीनम है? URL का। डोमेन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, पार्ट्स ऑफ अ डोमेन नेम। इनका जो ये फर्स्ट पार्ट होता है, टॉप लेवल डोमेन, ये .com.pk, इसे हम कहते हैं ये फर्स्ट पार्ट है, ये टॉप लेवल डोमेन है। नेक्स्ट आ गया गूगल, फेसबुक या ECP। ये जो नेक्स्ट है उसका नाम है सेकेंड लेवल डोमेन। पहले ये जो लास्ट पे वर्ड्स लिखे हुए थे .com.pk, इसे हमने कहा था टॉप लेवल डोमेन। अब ये जो अगला वर्ड आ गया, इसे हमने कहा है सेकंड लेवल डोमेन। और थर्ड के वाले लिंक में भी थर्ड लेवल डोमेन है। अब इसमें थर्ड लेवल डोमेन नहीं है, इसमें सिर्फ ये टॉप लेवल है और ये सेकंड वाली, इसमें थर्ड लेवल डोमेन नहीं है, सब डोमेन। थर्ड लेवल डोमेन को सब डोमेन भी कहते हैं। ओके, ये अब इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से गेस कर सकते हैं थर्ड लेवल डोमेन ऑप्शनल है, वो आप किसी लिंक में हो ना हो कोई बात नहीं। होस्टिंग क्या है? एन इंटरनेट होस्टिंग सर्विस इज अ सर्विस दैट रन्स इंटरनेट सर्वर्स। इंटरनेट सर्वर्स को रन करने के लिए होस्टिंग यूज होती है। ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये ट्रांसफर करती है कंप्यूटर फाइल्स को फ्रॉम वन होस्ट टू एन अदर होस्ट ओवर TCP बेस्ड नेटवर्क सच एज इंटरनेट। TCP बेस्ड नेटवर्क का मतलब क्या है यहाँ पे? इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू कोई भी एक फाइल आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, एक होस्ट से दूसरे होस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP सिंपल एंड सिक्योर में क्या आ जाएगा कि आप इसका सिंपल और सिक्योर वर्जन कैसे यूज कर रहे हैं, कि आपने कोई भी फाइल सेंड की वो स्प्लिट हो गई, वो छोटे छोटे डाटा पैकेट्स में ना डिवाइड हो गई है। अब एक डाटा पैकेट आप सेंड कर देंगे, वो जब आगे दूसरे होस्ट कंप्यूटर को मिलेगा, वो चेक करेगा कि ये डाटा पैकेट ठीक है, इसमें डाटा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर तो नहीं, ये ऑथेंटिक है। फिर वो आपको रिक्वेस्ट करेगा आपके कंप्यूटर को, होस्ट को, कि आप उसे दूसरा नेक्स्ट डाटा पैकेट सेंड कर दें। इस तरह वो डाटा पैकेट्स के फॉर्म में, स्मॉल डाटा पैकेट्स के फॉर्म में सारा डाटा कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर कोई डाटा पैकेट आपका एरर आ जाता है, वो करेक्ट नहीं होता, तो क्या होगा कि आपको वो जो दूसरा होस्ट कंप्यूटर है जिससे आप डाटा सेंड करे हैं, वो वही डाटा पैकेट दोबारा सेंड करने की रिक्वेस्ट करेगा। वो नेक्स्ट वाला तब तक नहीं मांगेगा जब तक पिछला डाटा क्लियर ना हो जाए। FTP क्लाइंट क्या होते हैं? इज टिपिकली सॉफ्टवेयर डेट अलोज अस टू कम्युनिकेट विद अ सर्वर और ट्रांसफर फाइल्स यूजिंग FTP प्रोटोकॉल। ये भी आपको कम्युनिकेट करने देते हैं सर्वर के साथ फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए।
अब इंशाल्लाह हम कल लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम HTML सीखेंगे, HTML लैंग्वेज, और साथ इसके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें, नए लेक्चर्स मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें।